माननीय संत राम बी एस साहब के अगर विचारों पर हम काम करें तो आज हमारा समाज जो है जितने पिछड़ा वर्ग है ओबीसी एससी एसटी एक वर्ग बन जाएगा और इसमें कोई जाति की भावना नहीं। हम लोग जाति पर जाति के विनाश पर काम करना चाहिए, जाति को तोड़ने का काम करना चाहिए। ओबीसी दलित पिछड़ों के लिए जाति तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी और वही समाज इन्हें जानता नहीं, यही विडंबना है। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनकी उनको लोग जानते नहीं हैं, उनको उनके साथ जब आप काम कर रहे थे संत राम बी.ए. साहब तो उनके परिवार या समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया। हम सभी को गर्व होना चाहिए कि महामानव संत राम बी.ए. जी की जयंती जो है 14 फरवरी को है और हम सभी को पूरे जो भारत में जितनी जनता है उनको उनकी जयंती को सुखमय तरीके से मनाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार अपने उसको समाज को बहुत ही अच्छी दिशा दिया था। उन्होंने बाबा साहब के साथ जो संवाद था मंडल जो वहाँ पर था उसके बाबा साहब को बुलाए थे भाषण के लिए, लेकिन किसी कारणवश से बाबा साहब वहाँ से भाषण के लिए नहीं आ पाए, लेकिन बाबा साहब ने जो भी था उसको प्रकाशित करवाए और आज जो है जाति का विनाश और एनलेसर बा कास्ट ये नाम की बुक्स जो है आज बहुत प्रसिद्ध है, उसको हम सभी को पढ़ना चाहिए। हमारा समाज और हिंदूवाद पर भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रहार किया था, अंतरजाति विवाह पर। ये उठता है कि जो संत बी.ए. राम जी ने जो सपना देखा था कि जाति विहीन वर्ग विहीन समाज बने, क्या वो समाज बन पा रहा है? जी सर, उन्हीं की देन थी कि जिस वजह से वो तो अपने पुत्र और पुत्रियों की शादियां जो है अंतरजातीय शादियां किए थे और अंतरजातीय शादियों की वजह से जो है हम मनुष्य मनुष्य बन पाते हैं, क्योंकि आप देखिए कि समाज में कोई वर्ण व्यवस्था के अंदर जो है लोग जाति बना देते हैं, लेकिन ये जाति होनी ही नहीं चाहिए। मनुष्य की तो एक ही जाति है, स्त्री पुरुष और पशु। जो हम एक समाज में है उसमें बस कोई जाति की व्यवस्था नहीं है, वही उन्होंने उनकी कल्पना थी और आज उनके विचारों पर अगर हम लोग चलें तो बहुत ही हम सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे और पूरा समाज जो है पूरा भारत जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिसमें जो है लोगों को भेदभाव नहीं होगा और धर्म 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 का वो नहीं होगा। हम लोग जाति पर जाति के विनाश पर काम करना चाहिए, जाति को तोड़ने का काम करना चाहिए, ऐसा हम मेरा आह्वान है कि आप पूरे भारत में या विश्व में माननीय संत राम बी.ए. का जयंती मनाई जाए और अच्छे तरह से मनाया जाए और उनके विचारों को पढ़ा जाए, हर व्यक्ति तक उनके विचारों को भेजा जाए, इस तरह से मेरा आह्वान है सर। इतना बड़ा योगदान है संत राम बी.ए. जी का लेकिन लोगों से परिचित कम है, ऐसा क्यों? ऐसा है कि जितने भी हमारे महापुरुष ओबीसी पिछड़े वर्ग के हुए, पिछड़े वर्ग मीन्स ओबीसी एससी एसटी के लिए, उनके बारे में लिखा नहीं गया, जबकि उन्होंने कई पत्रिकाएं प्रकाशित किए थे उर्दू में हिंदी में, उनके खिलाफ जो है सूर्यकांत निवाल त्रिपाठी जी और बहुत सारे लोग थे जो इसका विरोध भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने काम किया था और अभी भी हम जितने अंबेडकर नामा है उसमें इनका नाम आता है और इन्होंने बहुत ही समाज के लिए काम किया था, अच्छा काम किया था। अगर इनके मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे तो समाज एक अच्छा समाज बन सकता है। कितना अफसोसनाक है कि जिस एससी एसटी ओबीसी दलित पिछड़ों के लिए जाति तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी खपा दी और वही समाज इन्हें जानता नहीं, यही विडंबना है। जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनकी उनको लोग जानते नहीं हैं, उनको उनके साथ जब आप काम कर रहे थे संत राम बी.ए. साहब तो उनके परिवार या समाज के लोगों ने साथ नहीं दिया था, यही होता है। जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले साहब ने जब काम किया तो उनके परिवार ने साथ नहीं दिया, समाज ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने अडिग रहे और जिसका रिजल्ट आज अच्छा है, ऐसे ही माननीय संत राम बी.ए. साहब के अगर विचारों पर हम काम करें तो आज हमारा समाज जो है जितने पिछड़ा वर्ग है ओबीसी एससी एसटी एक वर्ग बन जाएगा और इसमें कोई जाति की भावना नहीं रहेगी, और जिस दिन जाति की हम भावना नहीं रहेगी उसी दिन ये समाज हमारा एक बहुत ही ताकतवर उभर कर आएगा। चाहे समाज को एकजुट करने के लिए जो संत राम बी.ए. जी और जो बाबा साहेब ने जो अथक प्रयास किए, दोनों में क्या क्या देखते हैं, क्या समानता, कैसे काम किए? बाबा साहब
बाबा साहब और माननीय संत राम बी एस जी ने विशेषकर समाज को जो है पाखंडवाद अंधविश्वास से पर लड़ाइयाँ लड़े थे। उन्होंने जाति के पर जाति को तोड़ने के लिए काम किया था। उन्होंने जो ये हमारी रूढ़िवादी परंपरा थी उसको पर काम किया था। बाबा साहब के साथ यथासंभव जितना भी प्रयास हो सकता था उन्होंने काम किया था।